प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर के लिए कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें रेल, सड़क, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, सीमा अवसंरचना, आईटी, बिजली और तेल और गैस से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज यहां एक साथ 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। आज अरुणाचल प्रदेश के 35,000 गरीब परिवारों को अपने पक्के घर मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के हजारों परिवारों को नल कनेक्शन मिले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित भारत का राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है। आज मुझे विकसित पूर्वोत्तर के इस उत्सव में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में एक ही आवाज आ रही है, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। रेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था, याद है ना, 2019 में। और आज क्या हुआ, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये गारंटी पक्की गारंटी है कि नहीं है? देखिए 2019 में ही दोनी पोलो एयरपोर्ट का भी शिलान्यास मैंने किया था। आज ये एयरपोर्ट शानदार सेवाएं दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब बताइए, अगर मैंने 2019 में किया ना तो कुछ लोगों को लगता था कि मोदी तो चुनाव के लिए कर रहा है। बताइए, मैंने चुनाव के लिए किया था कि आपके लिए किया था? अरुणाचल के लिए किया था या नहीं किया था? समय कोई भी हो, वर्ष कोई भी हो, महीना कोई भी हो, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए होता है, जनता जनार्दन के लिए होता है, आपके लिए होता है। और एक ही आवाज आ रही है, और क्या पूरे देश में सुना, अब की बार 400 बार, अब की बार, अब की बार एनडीए सरकार 400 बार, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार अब की बार